नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में आप सभी छात्र छात्राओं को फिर से एक नई जानकारी, नई अपडेट यहां पे हम बताना चाहेंगे। दोस्तों, डॉक्टर हरी सिंह और विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में प्रवेश सत्र 2024-25 के अंतर्गत जो ऑनलाइन आवेदन है वो प्रारंभ हो चुके हैं। तो अगर आप डॉक्टर हरी सिंह और विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं और इसमें आप ग्रेजुएशन में BA, BSc, BCom, BBA, BCA, LLB और इसके अलावा BA BEd, BSc BEd का कोर्स करना चाहते हैं, तो सत्र 2024-25 में इसके जो ऑनलाइन आवेदन है प्रारंभ हो चुके हैं। तो आपको जो है CUET UG 2024 में फॉर्म फिल करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इसके बाद ही आप यहां पर जो है सिलेक्शन ले पाएंगे और अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप जो है इसमें प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप जो है आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं, इसमें आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इससे संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो जिन भी छात्र छात्राओं ने सत्र 2024 में कक्षा 12वीं की परीक्षा दी है और उनका अभी रिजल्ट रुका हुआ है, रिजल्ट जो है आने वाला है, तो वो भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और साथ ही जिनका कक्षा 12वीं पहले कंप्लीट हो चुका है और वो भी यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आवेदन आप कब से कब तक कर पाएंगे, आपको जो है फॉर्म भरने का शुल्क कितना लगेगा और यहाँ पे आप जो है कौन कौन से कोर्स और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ लगेंगे, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट में जो है यहाँ पे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG 2024 है। तो इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है 27 फरवरी 2024 से 26 मार्च 2024 तक चलने वाले हैं। तो इसके जो आवेदन है वो 27 फरवरी से प्रारंभ हो चुके हैं और 26 मार्च 2024 तक आप इसका जो है ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद अगर आपके आवेदन जो है किसी प्रकार का मिस्टेक होता है, गलती होता है, तो उसे सुधारने के लिए पोर्टल ओपन होगा 28 मार्च से 29 मार्च 2024 तक। इसके बाद आपका जो सिटी का अनाउंस है किस सिटी में आपका एग्जाम होगा वो 30 अप्रैल 2024 के बाद यहाँ पे आपका अपडेट किया जाएगा और आप जो है पता कर पाएंगे किस जो है सिटी में आपका एग्जाम रखा गया है। फिर यहाँ पे आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो किस डेट में होगा, तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको 15 मई 2024 से 31 मई 2024 के बीच में डेट रखी गई है। इस डेट के बीच में आपका एग्जाम होगा और इसकी जानकारी समय समय पर हम वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद आपका जो रिजल्ट है 30 जून 2024 को जारी होगा। इसके बाद काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया जो है यहाँ पे चलेगी, जो कि समस्त यूनिवर्सिटी की अलग अलग होगी, तो इसकी भी जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी। अब यहाँ पे फॉर्म भरने से संबंधित जो शुल्क है वो कितना होगा, तो समस्त छात्र छात्राओं के लिए जो CUET UG 2024 का फॉर्म फिल करेंगे उन्हें 3 सब्जेक्ट तक के लिए, यानी 3 सब्जेक्ट के लिए वो आवेदन करेंगे तो उन्हें कितना शुल्क लगेगा, इसके बाद उसके अतिरिक्त सब्जेक्ट जोड़ेंगे तो उन्हें अलग से यहाँ पे शुल्क लगेगा। तो जनरल कैटेगरी के जो समस्त छात्र छात्राएं हैं उन्हें 3 सब्जेक्ट तक के लिए जो है 1000 रुपये, और 3 सब्जेक्ट से अगर वो सब्जेक्ट और भी ऐड करते हैं तो 400 रुपये अलग से शुल्क यहाँ पे लगेगा। इसके बाद OBC के जो कैटेगरी के छात्र छात्रा हैं, EWS के छात्र छात्रा हैं, 900 रुपये आपका शुल्क होगा। इसके बाद अगर आप 3 सब्जेक्ट के अलावा भी चौथा सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो 375 रुपये अतिरिक्त शुल्क यहाँ पे लगेगा। SC ST विकलांग कैटेगरी के लिए 800 रुपये का शुल्क है और 3 सब्जेक्ट के लिए। इसके बाद अगर 3 से 4 सब्जेक्ट जोड़ेंगे तो 350 रुपये और आपको यहाँ पे लगेगा। इसके बाद जो आपका इंडिया से बाहर के जो स्टूडेंट हैं उन्हें 4500 रुपये का शुल्क भुगतान यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे समस्त छात्र अपना जो ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जिसमें आप BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BA BEd, BSc BEd आदि का कोर्स यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो सबसे पहले आपको बता दें अगर आपने सत्र 2024 में अभी कक्षा 12वीं का एग्जाम दिया है तो आपको जो है प्रवेश पत्र लगेगा। अगर आपने इससे पहले कक्षा 12वीं कंप्लीट कर लिया है तो कक्षा 10वीं की मार्कशीट, कक्षा 12वीं की मार्कशीट, SC ST OBC और EWS के लिए जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और साथ ही आधार कार्ड, इसके साथ ही आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो इस बेस पर आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अब ऑनलाइन आवेदन की जो पूरी प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फिल करना है आवेदन, तो इसकी भी जानकारी वीडियो के माध्यम से हम जो है हम आपको दे देंगे ताकि आप देखकर आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से छात्र जो आवेदन करते हैं उन्हें ये पता नहीं होता है कि वो जो सब्जेक्ट यहाँ पे लेने वाले हैं
जो कोर्स यहाँ पे करने वाले हैं उसमें जो है कितनी सब्जेक्ट का उनका जो है यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, और वो यहाँ पे 2 या 3 सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करते हैं, और उनका जो है यहाँ पे एग्जाम भी हो जाता है, बाद में जब काउंसलिंग होती है तो वो यहाँ पे अपना सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको जो कोर्स के लिए आप आवेदन करेंगे उसके लिए आपको जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट, वो हम आपको बता देंगे कि कैसे आपको सिलेक्ट करना है। क्योंकि हमने पिछले वर्षों में देखा जिन भी छात्रों ने जो है आवेदन किए, तो कुछ जो है कि उसके संचालक होते हैं या जो शॉप चलाते हैं उन्हें जो है पता नहीं होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करने हैं, तो वो यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। तो वो आप ध्यान रखें, इसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे। और भी आपको कोई जानकारी लेनी है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हेल्प करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है तो स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस के साथ आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप घर बैठे ही आवेदन कर पाएंगे। और साथ ही आप इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश से संबंधित या फिर मध्य प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कॉलेज हैं, उन सभी में एडमिशन से संबंधित जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, हम आपको पूरी जानकारी बताते रहेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।